नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पार्टनरशिप के अंदर गुडविल चैप्टर को शुरू करेंगे। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है गुडविल। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं, फिर आएंगे प्रैक्टिकल पार्ट पर, और फिर हम अपने असाइनमेंट्स के 1-to-1 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गुडविल दोस्तों क्या होती है, पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि गुडविल का क्या कहानी है। तो गुडविल चैप्टर के अंदर आपने दो चीजें हैं, नेचर और उसका वैल्यूएशन। अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर गुडविल को बोला जाता है गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। बहुत बेसिक सी बातें हैं। गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है। और जरा इसके बाद देखते हैं, एस्टैब्लिश बिजनेस बिल्ट ओवर द टाइम बिजनेस गेन्स फेवरेबल रेपुटेशन। इट मींस अगर आपका मार्केट में रेपुटेशन है, मार्केट में नाम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और वो नाम क्यों होता है? फॉर गुड कस्टमर्स। गुड कस्टमर्स होते हैं, और अगर कस्टमर्स अच्छे हैं, इट मींस यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर। तो अगर हम थ्योरेटिकल बात करें गुडविल की, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है, फर्म का गुड नेम है, गुड कस्टमर्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारी फर्म क्या कमाती है? ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट अर्न करती जा रही है। और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे गुडविल क्या है? इट इज एन इनटेंजिबल असेट जो दिखाई नहीं देती है। और भी कुछ बातें चलते हैं जरा हम गुडविल को आगे लेके चल के। दोस्तों फेसबुक का एक एग्जाम्पल आप सब बच्चों को पता है, फेसबुक का नाम अब चेंज हो चुका है, मेटा हो चुका है। तो फेसबुक का मैं आपको एक ओवरऑल स्टडी बताता हूं। फेसबुक की नेट असेट्स, नेट असेट्स का मतलब होता है आपकी जितनी भी असेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज अगर हम माइनस कर देते हैं, तो नेट असेट्स हमारे पास 10 मिलियन है। फेसबुक की नेट असेट्स 10 मिलियन है, बट अगर हम ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू देखें तो वो है 15 मिलियन। तो हमारी 10 मिलियन की एक्चुअल वैल्यू है और मार्केट में आ रही है 15 मिलियन। इसका मतलब सर, ये जो 5 मिलियन आप एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, जो एक्स्ट्रा वैल्यू हो चुकी है, दिस 5 मिलियन इज कॉल्ड गुडविल। और ये सर गुडविल कैसे आती है? ये जो 5 मिलियन एक्स्ट्रा आपने देखा था, ये क्यों आती है? बिकॉज फेसबुक का क्या है? ब्रांड नेम है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वर्कफोर्स है, एम्प्लॉयज हैं, और इन सब को मिला के, इस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ये हो गई छोटी सी डिस्कशन कि सर गुडविल है क्या, मतलब क्या है गुडविल का, क्या प्रैक्टिकली हल्दीराम की गुडविल है, क्या डोमिनोज की गुडविल है, क्या पिज्जा की गुडविल है? यस, इन सारे ब्रांड्स की गुडविल है। कुछ तो है जो इन पे हमें अट्रैक्ट करती है कि आप अपना जो भी सामान है यहां से परचेस करें, खरीदें। तो वो जो अट्रैक्टिंग फोर्स होती है उसको बोला जाता है गुडविल। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्पस पर आते हैं आपके साथ। टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने तरह की होती है दोस्तों। पहले एक काम की बात, हमारा इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इश्यूड बाय आईसीआई, ये कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये क्या मतलब है जरा इस बात को समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। परचेज गुडविल का मतलब है दोस्तों, आपने किसी से गुडविल खरीद ली। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर है हल्दीराम और यहां पर है हम वरुण। हल्दीराम से मैंने गुडविल खरीद ली, हल्दीराम की सारी गुडविल हमने खरीद ली गुडविल। उसके बदले हमने हल्दीराम को टोटल 80 लाख रुपीस की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। इट मींस अब मैं भी
मैं भी अपनी दुकान के बाहर क्या लगा सकता हूँ, हल्दीराम का एक बोर्ड लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हल्दीराम से क्या खरीद ली है, उसकी गुडविल कितने में खरीद ली है, 80 लाख। तो अगर मैं गुडविल खरीदता हूँ, गुडविल मेरे लिए असेट है। आप एंट्री देखें जरा, जर्नल एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मेरी पॉकेट से क्या जाएगा, मैंने चेक से पेमेंट करी, टू बैंक अकाउंट, और कितनी पेमेंट करी, 80 लाख। 80 लाख, तो ये मैंने एंट्री पास करी, गुडविल खरीदी मैंने किससे, बैंक से पेमेंट करी है। और इसकी नरेशन में क्या लिखूंगा मैं, बीइंग गुडविल परचेज्ड, मैंने गुडविल खरीद ली। तो परचेज गुडविल समझना बहुत आसान है, आप किसी की भी फ्रेंचाइजी, किसी की भी गुडविल खरीद सकते हो, उसके बदले उसको आपको क्या देने हैं, पैसे देने हैं। तो ये एंट्री होती है गुडविल परचेज की। और जैसी मैंने गुडविल परचेज करी, आपको पता है ये गुडविल हमारी बैलेंस शीट में कहां आती है, असेट साइड में। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस शीट में आएगी 80 लाख रुपीस की गुडविल। तो परचेज गुडविल का मैंने ओवरऑल ट्रीटमेंट आपको बता दिया, एंट्री भी बता दी हम एंट्री क्या करते हैं, नरेशन भी बता दी, और बैलेंस शीट में गुडविल कहां आती है, असेट में। तो दोस्तों परचेज गुडविल टॉपिक हो गया खत्म। अब आती है बात सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से पता लग रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ मींस आप खुद अपनी मेहनत से जनरेट कर रहे हो गुडविल। अगर आप ध्यान से देखो, हल्दीराम, हल्दीराम को नियर अबाउट 70 इयर्स हो गए, मेहनत करते करते, एफर्ट्स करते करते 70 इयर्स हो गए, और 70 इयर्स में उसने आज की डेट में इतना सारा नाम कमा लिया है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं गुडविल। तो हल्दीराम ने जो 70 इयर्स इतने एफर्ट्स करे, उस एफर्ट से हल्दीराम ने क्या कमाया, तो आप बोलेंगे हल्दीराम ने क्या कमाया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मैं बात करूं टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, इन सब ने क्या करें, बहुत बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। खरीदी नहीं है, खुद बनाई है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज। बेटा खरीदते नहीं है, नॉट परचेज फॉर अ कंसिडरेशन, बट इज अर्न्ड, कमाई जाती है बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मेहनत करने से जो कमाई जाती है उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड, और जो पैसों से कमाई जाती है उसे कहते हैं परचेज गुडविल। तो छोटा सा ये डिफरेंस है, और ये दोनों डिफरेंस कौन बताता है, ये बताता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब हमारी जो डिस्कशन रहेगी प्रैक्टिकल पार्ट पे, दोस्तों परचेज गुडविल का टॉपिक खत्म हो गया, अभी एट एंड हो गया परचेज गुडविल। अब आज के बाद इस गुडविल की बात नहीं करेंगे, परचेज गुडविल की ये रही एंट्री और ये रहा ट्रीटमेंट। अब हम हमेशा बात किसकी करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम खुद कमाते हैं एफर्ट से। आइए जरा स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे थ्योरेटिकली, सर गुडविल निकाल क्यों रहे हो। आजकल बहुत बार सीबीएसई के अंदर हमने चेक किया, क्वेश्चन पूछा जाता है रिक्वायरमेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करना जरूरी है। पूरी पार्टनरशिप में बड़े सारे चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा चैप्टर है एडमिशन, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तीसरा है रिटायरमेंट, उसके बाद है डेथ। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बेचते हो, When partnership firm is amalgamation, amalgamation का मतलब merger, merger मतलब दो companies मिल रही हैं, तो कुछ भी आप business के अंदर partnership में करते हो, तो आपको goodwill की valuation निकालना जरूरी है। तो question ये आता है, goodwill की valuation इनकी वजह से जरूरी है, हम क्यों निकालते हैं goodwill, because of these reasons। Methods, methods आ गए आपके पास, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन ये है, हमें 12th क्लास में क्या सीखना है, हमें ये सीखना है गुडविल कैसे निकाली जाती है, कौन सी गुडविल की बात हो रही है। आप हमेशा बच्चे याद रखेंगे
कौन सी गुडविल बात हो रही है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल की आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, वो तो खरीद ली, पैसे दे दिए, कहानी खत्म। हमारी पूरी पूरी डिस्कशन रहेगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे निकाला जाता है। ट्वेल्थ क्लास के अंदर आपको मेथड दे रखे हैं, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड और लास्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चारों मेथड से वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, हमारा फर्स्ट मेथड आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं सर, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आज की क्लास में आप इतना मान के चलिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जैसे लिखा होगा थ्री ईयर परचेज, फोर ईयर परचेज, टू ईयर परचेज, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है। अभी मैं आपको इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूं। और कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है ट्वाइस, फोर टाइम्स, तो आप समझ जाएंगे सर इसका क्या मतलब है। ये ट्वाइस है, दुगना, फोर टाइम्स, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। कुछ बुक्स में लिखा होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह लिखा होता है 200%, तो 200% का मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 100, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2। तो वो कहना चाह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2 हैं। तो अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, इस बात को याद रखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। और हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट आराम से समझो, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे एवरेज प्रॉफिट के। दोस्तों एवरेज कैसे निकाली जाती है? अगर मान लेते हैं आपके पास 5 साल के प्रॉफिट है, आपके बिजनेस को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के आपके पास प्रॉफिट है, पहले पांचों को करेंगे प्लस, जैसे ही प्लस करेंगे ये आ जाएगा टोटल, टोटल के बाद डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, अपने आप आ जाएगा एवरेज। फॉर एग्जांपल 2 साल के प्रॉफिट है, दोनों को करेंगे प्लस और 2 से करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा एवरेज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर 1 साल का प्रॉफिट है, तो बेटा 1 साल का प्रॉफिट है तो उसको डिवाइड भी किससे करेंगे? 1 से, अपने आप आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो आइए जरा क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं इस मेथड के ऊपर। हम चलते हैं आपके साथ जरा क्वेश्चंस पर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इसके अंदर जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके साथ। ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, पूरा का पूरा असाइनमेंट भी आप बच्चों के साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन। पहला क्वेश्चन पढ़ो आप आराम से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, हम निकालने जा रहे हैं गुडविल, गुडविल, और हमारे पास मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकालते हैं गुडविल? पहले लिखेंगे फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले हमने लिखा फॉर्मूला, अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। तो पहले तो आप फटाफट क्वेश्चन में ढूंढो कहीं नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं। पढ़ते हैं जरा जल्दी जल्दी जल्दी। 5 साल कह रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 1 ईयर परचेज। आपको मिल गया है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 1 है। अब हमें निकालना है एवरेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हैं 1, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है पिछले 5 सालों का, पिछले 5 सालों का एवरेज निकालना है। जरा आइए फटाफट, पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, पहला साल का प्रॉफिट है 20,000, उसके बाद है 16,000, फिर है 24,000, फिर है 8,000 और फिर है 12,000,
टोटल प्रॉफिट आ गया 80,000। 80,000 तो टोटल है, मुझे चाहिए एवरेज, मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। तो फाइनली बताइए गुडविल कितनी आ गई, डिवाइड बाय 5 इनटू 1, मेरे पास गुडविल आ गई 16,000 रुपए। और इस गुडविल को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा फटाफट, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फटाफट आप बच्चे क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे जल्दी से बताएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं। ये लिखा 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 3। अब निकालना है एवरेज, एवरेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 6 ईयर्स का, 6 साल का एवरेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का एवरेज है। और उसमें 2 साल आपको लॉस भी दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, प्रॉफिट है तो प्लस 40,000, 60,000 प्लस, माइनस 10,000, लॉस को माइनस कर दिया, प्लस 50,000 का प्रॉफिट, माइनस 30,000, प्लस 80,000, टोटल आ गया 1,90,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, बताइए कितनी गुडविल आ गई। बोलो बेटा पॉइंट में नहीं, 3 से 6 को काट दो, डिवाइड बाय 2, तो गुडविल आ गई 95,000। ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 4 ईयर्स 3 ईयर्स परचेज। आइए जरा इस क्वेश्चन को जरा हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल, गुडविल का पहले लिखा हमने फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ढूंढना शुरू करो, अभी मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर का मतलब नहीं बताया, मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होता है, पढ़ें जरा क्या लिखा है, 2 ईयर परचेज, तो ये मिल चुका है आपको 2 ईयर परचेज। अब निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 4 ईयर्स, 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, बट इंग्लिश पे बहुत ध्यान देंगे, एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 3 ईयर्स। बहुत ध्यान से, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी क्वेश्चन के अंदर, एवरेज जो निकालनी है वो सिर्फ पिछले 3 साल की निकालनी है, 4 साल की नहीं निकालनी, पिछले 3 साल। तो पिछले 3 साल मतलब ये है पिछले 3 साल, सिर्फ इन्हीं 3 साल की, 45, 55, 53, सिर्फ इन 3 साल की एवरेज निकालनी है। ऑलमोस्ट बच्चों ने 4 साल की एवरेज निकाल दी, 3 साल की निकालनी है, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया इनटू 2, ये आ रहा है 1,02,000, गुडविल आ गई 1,02,000। तो दोस्तों ये था हमारा पहला मेथड गुडविल का जो खत्म हो चुका है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और हम बात कर रहे थे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक और नए मेथड से गुडविल की शुरुआत। थैंक यू सो मच गाइज़।